अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बनाने जा रही थी दही बड़े। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो दालों का इस्तेमाल किया है, माश की दाल और मूंग की दाल। दोनों दालें मैंने धुली हुई यूज़ की हैं। उसको मैंने 2 से 3 घंटे सोख करके रख लिया हुआ था और इसको मैंने गर्म पानी में सोख किया था ताकि जल्दी से अच्छे तरीके से सोख हो जाए। तो जब ये सोख हो गई थी तो फिर मैंने इसको ब्लेंडर में डाल दिया और यहाँ पर मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया था क्योंकि दाल में ऑलरेडी थोड़ा बहुत पानी ज़रूर होता ही है। अब दाल को इसी तरीके से ब्लेंडर में डाल दें। और आज ये जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ, एक तो ये बहुत इजी है, आप घर पर आराम से इसे बना सकते हैं और इसे बहुत लंबे अरसे तक आप सेव करके रख भी सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने इसमें डाल दिया था 2 लहसुन के जवे और साथ में 2 ग्रीन चिलीज़, और ये इसमें लाजमी डलेंगी, इसको आपने स्किप नहीं करना। उसके बाद मैंने 1/2 टीस्पून इसमें यूज़ किया था अजवाइन और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा शामिल किया था और 1/2 ही टीस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया था और इसके साथ मैंने 1 चम्मच इसमें चाट मसाले का इस्तेमाल किया था। ये सब चीज़ें इसमें डाल के तो इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो लाजमी हैं, स्पेशली जो अजवाइन है और सब्ज़ मिर्च और लहसुन। अच्छा, यहाँ पे मैंने पानी का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आपको पानी जो है वो उसकी ज़रूरत महसूस हो रही है, आपकी दाल ब्लेंड नहीं हो रही, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। और अब मैंने इसको ना एक बाउल में शिफ्ट कर लिया और उसके बाद अब इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 2 चुटकी, यहाँ पर मैं मीठा सोडा इस्तेमाल कर रही हूँ, मीठा सोडा ही इसमें जाएगा, बेकिंग पाउडर आपने इसमें ऐड नहीं करना। ये तकरीबन 2 चुटकी मैंने इसमें सिर्फ मीठा सोडे का इस्तेमाल किया है। उसके बाद इसको अच्छे से मैंने मिक्स करना है। यहाँ पर जितनी आप अच्छी मिक्सिंग करेंगे, आप जो हैंड मिक्स है वो भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैंने तो यहाँ पर चम्मच से ही इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। यहाँ तक मिक्स किया है कि ये जो मिक्सचर है ना वो थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाए। तो जब ये फ्लफ़ी हो जाएगा ना तो ये रेडी है बनाने के लिए। इसको मैंने तकरीबन 5 मिनट के लिए रख दिया था ताकि ये थोड़ा सा और ग्लो कर जाए, थोड़ा सा फूल जाए, और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो अब हमारा मिक्सर जो है वो बिल्कुल रेडी है फ्राई होने के लिए। तो अब मैंने इसको किस तरह से फ्राई करना है वो मैं अब आगे चल के आपको बताती हूँ। इसके लिए मैंने दूसरी साइड पर जो है वो ऑयल गरम करने करने के लिए रख दिया हुआ था। और यहाँ पर आपने ऑयल को ना एक बार अच्छे तरीके से गरम कर लेना है और उसके बाद फ्लेम को बिल्कुल आपने हल्का कर देना है, बिल्कुल स्लो कर देना है, जिस तरह से दम वाली आँच होती है ना उस तरह आपने कर देना है।
और उसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा मिक्सर उठाना है और उसको चम्मच से इस तरीके से आपने इसमें डाल देना है। अच्छा, मैं अक्सर ये बनाती रहती हूँ तो इसलिए मुझे इसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो चुका है कि मैंने कितना मिक्सचर लेना है और मैंने किस तरह से इसको पोर करना है ऑयल में। तो अगर आप बिगनर हैं, आप अभी न्यू हैं, आपने इसको पहले कभी भी ट्राई नहीं किया, तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप यहाँ पर 2 चम्मच उनका इस्तेमाल कर लें, यानी कि 1 चम्मच से आप मिक्सर इसमें ऐड करें और दूसरे चम्मच से मिक्सर को इसमें निकाल दें। उससे ये होता है कि बिल्कुल आपके गोल बड़े बनेंगे, यानी कि जो बड़े हैं उनकी शेप ख़राब नहीं होगी। तो ये मेरे माशाल्लाह जो बड़े हैं ना, वो बहुत सर्कल बहुत प्यारी सी शेप में तैयार होते हैं। तो इस तरह करके मैंने सारे जो वो थे बड़े, वो एक एक करके मैंने इसमें डाल दिए और उसके बाद इसको हल्की आंच पर पकने के लिए रख दिया। यहाँ पर हमने कुकिंग जो है वो बहुत हल्की आंच पर करनी है, कुकिंग बिल्कुल भी तेज़ आंच पे इसको हमने फ्राई नहीं करना। अगर हम तेज़ आंच पे इसको फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से तो पक जाएगा लेकिन अंदर से जो इसका मिक्सचर है वो कच्चा रह जाएगा, तो उस तरह से दही बड़ा जो है वो अच्छा तैयार नहीं होगा। तो आपने आराम से स्लो स्लो टाइम लगा के 10 से 15 मिनट इसको फ्राई करना है। तो जब तक हमारे बड़े बन रहे हैं तो दूसरे चूल्हे पर मैं चनों को चढ़ा लेती हूँ। सफ़ेद चने मुझे रमज़ान में काफ़ी तादाद में चाहिए होते हैं, यानी कि 2-3 दिन बाद मैंने आलू चने बनाने होते हैं और चने की हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, सैलड में भी मैं वाइट चनों का इस्तेमाल करती हूँ, तो इसलिए मैं हमेशा फ्रीज़र में वाइट चने जो हैं वो बॉयल करके ज़रूर रखती हूँ, और रमज़ान में तो स्पेशली ज़रूर रखने पड़ते हैं। तो मैंने सुबह उठते ही मैंने जो चने थे उसको मैंने सोख करके रखा हुआ था, चने इस वक्त काफ़ी अच्छी कंडीशन में आ गए थे, तो फिर मैंने उसको बॉयल करने के लिए रख दिया और प्रेशर का यूज़ किया था और माशाल्लाह चने इस वक्त देखें कितने अच्छे गल चुके हैं। तो अब इनको भी मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी और दूसरी साइड पर मेरे जो बड़े थे वो अभी बन रहे हैं, तो उसकी साइड जो है वो हम चेंज कर लेते हैं ताकि वो अच्छे से जो है वो दूसरी साइड से भी पक जाए। और इसके ऊपर ना छोटे छोटे बहुत बारीक से बबल्स आने लग जाते हैं, मीन्स कि हमारा जो बड़ा है वो फूल भी चुका है और अंदर से पक चुका है एक साइड से। तो अब हम इसको टर्न करेंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरीके से पका लेंगे, और दोनों साइड से अच्छा सा जब कलर आ जाएगा और थोड़े से क्रिस्पी सी हो जाएंगे तो हम इसको आराम से एक स्ट्रेनर से निकाल के तो साइड पर रख देंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तो फिर बारी आती है इसको सेव करने की, और इसको सेव करने का मैं आपको तरीका भी बताती हूँ कि बहुत आसान है। आप इसको किसी भी जार में सेव कर सकते हैं, शीशे का जार ले लें, प्लास्टिक का जार ले लें, और या फिर आप इसे पेपर बॉक्स में डाल के किसी भी पेपर में रख लें और उसके बाद आप इसे एक शॉपिंग बैग में डाल के या फिर जिप लॉक बैग में डाल के तो आप इसे फ्रिज में रख लें, ज़्यादा बेहतर रहता है, लंबे अरसे तक ये सेफ रह सकता है। तो मैं हमेशा इसे क्या करती हूँ कि मैं इसे ना फ्रिज में ही रखती हूँ ताकि ये काफ़ी देर तक सेव रह जाए। अच्छा, उसके बाद अब ये देखें इस वक्त जब मैं इसको निकाल रही हूँ तो कितनी अच्छी सी क्रिस्पी सी आवाज़ आ रही है, आपको महसूस हो रहा होगा कि हमारे जो बड़े हैं वो थोड़े से क्रिस्पी तैयार हुए हैं। क्रिस्पी मैं इसलिए बनाती हूँ ताकि ये लंबे अरसे तक सेव रहें, इसमें नमी ना बाकी रहे, अगर नमी रहेगी तो फिर ये ज़्यादा देर तक सेव नहीं रह सकते। तो मैंने एक बैच जो है वो निकाल लिया, अब दूसरा बैच मैंने रेडी करना है। उससे पहले साथ ही मैं जो पकौड़ियाँ बनानी है उसका मिक्सर भी तैयार कर लेती हूँ, तो उसके लिए मैंने 2 कप बेसन इस्तेमाल किया है। 2 कप बेसन लेके तो मैंने इसको एक बाउल में डाल दिया और बाउल में ऐड करने के बाद इसमें मैंने शामिल करना है इसमें 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी और 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा नमक। अच्छा, नमक जो है वो मैंने 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम ऐड किया था, नमक ज़्यादा क्वांटिटी में मुझे पसंद नहीं है तो इस वजह से मैं थोड़ा कम ऐड करती हूँ। उसके साथ थोड़ा सा इसमें पानी जाएगा, आपने पानी का इस्तेमाल बहुत ध्यान से करना है, थोड़ा थोड़ा करके आपने पानी शामिल करना है क्योंकि हमने बैटर को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना। और उसके बाद इसको बहुत अच्छे तरीके से बीट करना है, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से आप इसको मिक्स करते रहें, इतना मिक्स करें कि ये बैटर बहुत फ्लफ़ी सा तैयार हो जाए। जितना फ्लफ़ी आपका बैटर तैयार होगा उतनी पकौड़ी जो है हम बनाएंगे तो वो फूलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो पकौड़ी है वो थोड़ी सी ब्लो हो तो आप इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से ना मिक्स करते रहें। और यहाँ पे मैंने छोड़ छोड़ के 2-3 बार इसको मिक्स किया था ताकि पकौड़ियाँ जो हैं वो बहुत अच्छे से फूल जाएं।
और सरसों थोड़े जीरा, से बैटर के साथ आप इतनी ज़्यादा पकौड़ियाँ तैयार कर सकते हैं। और अब मैंने एक स्पून लिया है, स्पून से मैंने थोड़ा थोड़ा बैटर उठाकर तो इसमें ड्रॉप कर दिया है, और इस तरह से जैसे मैं ड्रॉप करती रहूँगी ना तो पकौड़ियों की शेप जो है वो तैयार हो जाएगी। यहाँ पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने पकौड़ी की क्या शेप बनानी है, जिस तरह मर्ज़ी आप इसे फ्राई कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ जो शेप है ना थोड़ी सी मोटी तैयार हो रही है, कुछ लंबी लंबी तैयार हो रही है, लेकिन ऐसा कोई ख़ास इशू नहीं है। जैसे ये ब्लो होंगी ना तो बहुत अच्छी इसकी शेप बननी शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद तकरीबन 5-10 मिनट में ही ये फ्राई हो गई थी। अच्छा, जो बड़े होते हैं ना वो हम बहुत हल्की आंच पे बनाते हैं, जबकि जब पकौड़ियाँ होती है ना उनको हम बहुत तेज़ आंच पे बनाते हैं। ऑयल बहुत ज़्यादा हीट होना चाहिए, फुल हीटेड ऑयल में आपने ये मिक्सर ऐड करना है। उससे जो मिक्सर है वो नीचे बैठेगा नहीं और एकदम से ब्लो हो जाएगा। तो इस तरह से पकौड़ियाँ तैयार होती हैं। और अब मैंने तमाम पकौड़ियों के ना 2 बैचेस बने थे, इतने से मिक्सर के साथ यानी कि 2 कप बेसन के साथ माशाल्लाह इतनी ज़्यादा पकौड़ियाँ घर पे आसान तरीके से तैयार हो गई हैं। और एक तो ये घर का साफ़ सुथरा ऑयल होता है और मिक्सर जो है वो भी बनाना बहुत ईजी है, तो आप घर पर ही बना लें ज़्यादा बेहतर है। और इस तरह से मैंने बना के तो इसको मैंने रूम टेम्परेचर पे छोड़ दी थी। 2 से 3 घंटे लगे थे इसे ठंडा होने पे, बिल्कुल ठंडी हो गई थी, तो फिर मैंने इसे जिप लॉक बैग में डाल के तो सेव कर लिया था। और ये थी आज की रेसिपी, आपको अच्छी लगी हो तो आपने ज़रूर मुझे बताना है। और कोशिश करें कि ये तमाम चीज़ें आप घर पे ही बनाएं, हाइजीन तरीके से बनती हैं घर पे और ज़्यादा क्वांटिटी में भी बन जाती हैं और काफ़ी चीप बनती हैं। बाज़ार से काफ़ी इस वक्त जो पकौड़ियाँ हैं और बड़े हैं उनके काफ़ी ज़्यादा हाई रेट्स हुए हैं, जबकि वो साफ़ सुथरी भी नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी वो काफ़ी महंगे दामों में इसे बेच रहे हैं। तो कोशिश करें कि आप घर पर ही बना लें, बनाना तो बहुत इजी है और इसके लिए बहुत ज़्यादा मिक्सर और बहुत ज़्यादा मटेरियल वो भी रिक्वायर नहीं है। घर पे ये चीज़ें मौजूद होती हैं, हर घर में ये चीज़ें मौजूद होती हैं। यहाँ पर आपको मैं बड़े को तोड़ के अंदर से चेक करवाती हूँ कितना ज़बरदस्त, कितना फ्लफ़ी सॉफ्ट सा बड़ा तैयार हुआ है, और जो पकौड़ी है वो भी माशाल्लाह बहुत ही सॉफ्ट से तैयार हुई है। अच्छा, जब ये ड्राई हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी ना, तो ये थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी और फिर हम इसे जब हमने इसको इस्तेमाल करना होगा तो पानी में इसको सोक करके तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसको भी चाहें तो आप फ्रिज में रख लें, अगर आप बाहर किचन में वैसे ही रखना चाहते हैं काउंटर पे तो आप इसे किसी भी जार में रख के तो सेव करके काउंटर पे रख सकते हैं। और ये आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी हो तो आपने कमेंट्स में अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह करना है, और वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। और अगर मेरे चैनल पर आप न्यू हैं, आज ही आपने मेरे चैनल को ज्वाइन किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तकरीबन 5 से 6 घंटे गुजरने के बाद चने और पकौड़ियाँ और बड़े बिल्कुल ठंडे हो चुके थे, तो इसको मैंने जिप लॉक बैग्स में सेव करके रख लिया। और इस तरह से मैंने इसको सेव किया था, जो पकौड़ियाँ हैं वो थोड़ी ज़्यादा थी तो फिर मैंने उनको हाफ़ हाफ उनके पैकेट्स बना लिए थे, और चने भी इस तरह से मैंने जिप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़र में रख दिए। पकौड़ियों को और जो बड़े हैं इनको मैं फ्रिज में ही रख दूँगी। और उसके बाद शाम का वक्त हो गया हुआ था तो
जब हम रमज़ान की प्रिपरेशन कर रहे थे, डिकोर कर रहे थे, तो मोहम्मद ने अच्छी खासी मेरे से और अपने बड़े भाई से डांट खाई, क्योंकि वो बार बार आके तो जो चीज़ें हैं, जो लैंटेन्स वगैरह मैं लेकर आई हूँ, उनको क्या कर रहा है कि बार बार उनके सेल ऑन कर देता है, उनको ऑन कर देता है। इस तरह से मुझे था कि बेटा इसके सेल जो हैं वो वीक हो जाएंगे, और बार बार आप इस तरह से कर रहे हो। उसको बहुत अच्छी लग रही थी, उसका दिल चाह रहा था कि बस ये हर वक्त जो है वो ऑन ही रहे। और जो लैंटेन्स थी और जो कैंडल्स वगैरह मैं लेकर आई थी ना, उसको मोहम्मद अपने खुद ही उठा उठा के कभी दूसरी साइड पर रख रहा है, कभी कहाँ पर डेकोर कर रहा है, कभी मुझे बता रहा है कि मामा यहाँ पे ये बहुत अच्छी लग रही है, ये यहाँ पर रख दें, ये यहाँ पर रख दें। इस तरह से अपने अपने आइडियाज़ जो है वो मेरे साथ शेयर कर रहा था। लेकिन इस वक्त मेरा मूड नहीं था बिल्कुल भी इस तरह की कोई बात सुनने के लिए, क्योंकि मैं अभी सबसे पहले जो है वो इसकी वॉल डेकोरेट कर रही थी, कि जब वॉल जो है वो हमारी सेट हो जाएगी ना, तो फिर मैंने रमज़ान का जो ये पोस्टर वाला कैलेंडर है उसको मैंने सेट करना था। तो उसको सेट करना था मुझे ऊपर चढ़ के, क्योंकि इसकी हाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी और दोनों साइड से इसको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए, और इसको सेट करना ना काफ़ी मुश्किल लग रहा था, क्योंकि कभी हम इस साइड से उसको बंद करते थे, कभी दूसरी साइड से बंद करते थे, तो इसकी मेजरमेंट जो है वो बार बार ख़राब हो रही थी। थोड़ा सा मुश्किल हुआ था, टाइम लगा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब काम माशाल्लाह बहुत अच्छे से मैनेज हो गया था। और इसमें अहमद ने मेरी माशाल्लाह बहुत हेल्प की थी, और मोहम्मद को इसी बात की टेंशन थी कि मामा मेरे से कोई काम क्यों नहीं करवा रही, क्योंकि मोहम्मद को जो छोटे बच्चे होते हैं ना घर के, उनको बहुत टेंशन होती है कि वो भी किसी ना किसी चीज़ में जो है ना वो हाथ लगाएं, और जब उनसे हम इस तरह का कोई काम नहीं करवा रहे होते ना, तो उनको बहुत अजीब सी कोफ्त हो रही होती है। अच्छा, अब मैंने स्टार्स लगाए थे, स्टार्स जो हैं वो भी माशाल्लाह बड़े प्यारे 3D स्टार्स थे, वो भी बहुत अच्छे लग रहे थे। तो इस तरह करके हमने उसको भी बहुत अच्छे से डेकोरेट कर दिया था, और ये हमारा फ़र्स्ट टाइम था, तो हमें थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था कि हम इसको किस तरह बनाएं और किस तरह सेट करें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी फैमिली की जो पार्टिसिपेशन थी उसकी वजह से सब कुछ अच्छे से मैनेज हो गया था, और यहाँ पर मेरा ऑलमोस्ट जो है वो तकरीबन काम डन हो गया हुआ था, जब जस्ट मैं स्टेंसिल लीड वगैरह यहाँ पे इनपुट कर रही थी, क्योंकि मैंने लाइटिंग भी यहाँ पे अरेंज की थी और सोफ़ा की सेटिंग भी चेंज कर दी थी। तो इस वक्त मोहम्मद अहमद जो हैं वो लगे हुए थे कैमरा के साथ खेलने के लिए, और कभी किस साइड से, किस एंगल से वीडियो शूट कर रहे थे, कभी किस एंगल से वीडियो शूट कर रहे थे, और उनको बहुत मज़ा आ रहा था। इस वक्त इतना टाइम हो गया हुआ था, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हुए थे, तकरीबन 2 बज रहे थे, 2:30 बज रहे थे, लेकिन उसके बावजूद बच्चे इतने एक्टिव थे और इतने शरारते कर रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे इनका तो अभी दिन निकला हुआ। और अब मैंने जो है वो पूरे रूम की सारी सफाई कर दी, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, घर बिल्कुल मैंने जो अपना लॉन्च था, जो रूम था जो मैंने डेकोर करना था, उसको बिल्कुल मैंने नीट एंड क्लीन कर लिया, और जो सेटिंग है सोफ़ा की वो भी चेंज की, जो लैम्प्स थे वो भी चेंज किए, यानी कि टोटली मैंने रूम की जो है वो सेटिंग चेंज कर दी थी। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक थी, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो लॉन्च था जिसमें हमने डेली बेस पे अफ्तारी सहरी करनी है, वो हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा वेल लुक डेकोरेट हुआ था। और आप भी मुझे बताइएगा कि आपको ये सेटिंग मेरे रूम की कैसी लगी, और मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों को बहुत अच्छी लगी। अच्छा, यहाँ पर हमने ना कुरान का एक कॉर्नर भी सेट किया था, साथ ही साथ मैंने जो जानेमाज़ थी वो भी अरेंज करके बिल्कुल ओपन यहीं पर रखी थी, ताकि किसी को भी नमाज़ पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर कोई गेस्ट भी आ जाए, मैं घर पर ना भी मौजूद हूँ, तो उसको भी जानेमाज़ आसानी से मिल जाए। और ये मैंने एक कॉर्नर रखा था जिसमें मैंने तमाम तस्बियाँ और जो कुरान पाक थी, जो दुरूद शरीफ के जो मेरे वज़ाइफ़ वगैरह होते हैं, वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पर रखे थे। और मोहम्मद जो डेली बेस पे अपनी टीचर से कुरान पढ़ रहा है, तो वो वाला सुपारा भी मैंने यहीं पर रख दिया था, ताकि हम आराम से जो है वो यहाँ पर बैठ के तो कुरान पढ़ सकें। और ये हमारा रूम माशाल्लाह इतना खूबसूरत लग रहा था, अब हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमारा टाइम स्पेंड होगा, पूरे 30 डेज़ हम यहीं पर सहर अफ्तार करेंगे। वैसे तो मोस्टली ज़्यादातर रूम्स में ही होते हैं बच्चे, और अपने अपने रूम्स में ही खाना खा लेते हैं, तो इसलिए इतना मौका नहीं मिलता कि सब इस तरह से लॉन्च में बैठ के तो हम इकट्ठे हो।
रखे और उनको तमाम इस महीने की बाबरकतें नसीब फरमाए। इस दुआ के साथ मैं आपसे इजाज़त लूँगी और मैं मिलूँगी आपसे कल के ब्लॉग में, जिसमें होगी हमारी पहली इफ्तारी और सहरी। तो ये सब चीज़ें मैं आपके साथ कल के ब्लॉग में शेयर करूँगी। तब तक अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।